दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप के 14वें मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 353 रन का लक्ष्य दे दिया है। ओवल के मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उसने 50 ओवर में 5 विकेट पर 352 रन बनाए। शिखर धवन ने टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे। धवन ने 16 चौकों की मदद से 109 गेंदों पर 117 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 13 चौकों की मदद से 95 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था। उन्होंने 53 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। धवन के अलावा कप्तान विराट कोहली ने 82, रोहित शर्मा ने 57, हार्दिक पांड्या ने 48 और महेंद्र सिंह धोनी ने 27 रन की पारियां खेली, लेकिन राहुल 3 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्क स्टोइनिस ने सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 62 रन देकर 2 विकेट लिए। उनके अलावा पेट कमिंस ने 55, मिचेल स्टार्क ने 74 और नैथन कुल्टरनेल ने 63 रन देकर 1-1 विकेट लेने में सफल रहे। आपको बता दें दोस्तों कि विराट ने 3 चौकों की मदद से 54 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका वनडे का 50वां और वर्ल्ड कप का दूसरा अर्धशतक रहा। हालांकि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में अपना पहला अर्धशतक लगाने से चूक गए। वो 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 27 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। पैट कमिंस की गेंद पर कवर में एरन फिंच ने उनका कैच पकड़ा। तो दोस्तों, ये था अब तक का मैच का हाल। आगे भी है दोस्तों, अगर मैच का हाल आपको देखना है तो आप इस चैनल पर बने रहिए। मैं मैच खत्म होते ही आपको बताऊंगा मैच का पूरा हाल जो है वो क्या रहा, कौन जीता कौन हरा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।